मेरा नाम रेशमा चौधरी है। मेरे करीबन 4.5 महीने पहले पेट में दर्द और मरोड़े होते थे। पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता था और मरोड़ी चलती थी। तो मैंने किस प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने एंडोस्कोपी से पता चला कि मेरी बड़ी हाथ में ब्लॉक है। तो फिर ब्लॉक होने के बाद 15 दिन के बाद में फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, बड़ी हाथ का रास्ता काट के बाहर निकाला और उसको छोड़ दिया बाहर निकाल के। वो सही रहा मेरा। 3 महीने बाद में उन्होंने वापस ऐसे किया कि इसको वापस मतलब कनेक्ट करके वापस स्टोमक अंदर डालेंगे। स्टोमा सर्जरी करने की बात हुई तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि वापस वो बड़ी हाथ ब्लॉक हो गई है। तो फिर मुझे हमने 2-4 डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो किसी ने क्या राय दी। फिर हमें SR कल्ला हॉस्पिटल में यहाँ पता चला कि यहाँ गेस्ट्रो के बहुत बड़े डॉक्टर मुकेश कल्ला, हमने यहाँ आके अपॉइंटमेंट लिया और उनसे बात की तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने बताया कि हम दोबारा ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो मतलब दूरबीन से ही बैलून से हम वो जो रास्ता बंद हो गया ब्लॉक हो गई आगे से दोबारा से उसके हम चौड़ा करेंगे रास्ते को। फिर उन्होंने 2 बार मेरा डायलिसिस किया, हर 15-15 दिन पे इससे मेरा रास्ता चौड़ा हुआ और आज 5-6 दिन हो गए मेरा ऑपरेशन मतलब मेरी बड़े हाथ को वापस अंदर डाल दिया है और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके लिए मैं डॉक्टर मुकेश कल्ला और डॉक्टर पंकज श्रीमाल, डॉक्टर विनायक कल्ला और उनकी समस्त स्टाफ, डॉक्टर दीपांशु आते हैं डेली मुझे चेक करने के लिए, बहुत अच्छा स्टाफ है उनका, डॉक्टर साहब को धन्यवाद। और यहाँ की मतलब नर्सिंग स्टाफ और यहाँ की कर्मचारी वगैरह सब बहुत अच्छा है। यहाँ की फैसिलिटी सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ध्यान रख रखाव बहुत अच्छी तरह से होता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के पेट में दिक्कत हो तो SR कल्ला से बढ़िया हॉस्पिटल कोई सा भी नहीं है। अब यहाँ आके जरूर दिखाएं। और एंडोस्कोपी जो और हॉस्पिटल्स में मैंने 2 बार करवाई थी, बहुत दर्द हुआ था। मैं इस मतलब इस जात से डरने लग गई थी, रोने लग जाती थी। और मैं एक बार मतलब वहाँ गई थी मैं दिखाने तो मैं वापस आ गई थी। फिर यहाँ पेनलेस एंडोस्कोपी होती है, मुझे पता ही नहीं चला 2 बार मेरा डायलिसिस हुआ है, कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए मैं पंकज श्रीमाल डॉक्टर का भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, सब SR कल्ला के सब मस्त स्टाफ का धन्यवाद कहना चाहूँगी और विशेषकर डॉक्टर मुकेश कल्ला का और डॉक्टर राम डागा ने जो मेरा सर्जरी की है वापस हाथ को अंदर डाला है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं 4.5 महीने से बेड पर थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। 6 दिन हो गए हैं मेरे ऑपरेशन हुआ, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। धन्यवाद।